नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक न्यू गवर्नमेंट पोर्टल के बारे में, जिसका नाम है माई स्कीम, जो हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर आपको सभी तरह की स्कीमें जो है आपको एक ही पोर्टल पर देखने के लिए मिलेंगे। इस पोर्टल पर आपको चाहे वो एग्रीकल्चर हो या फिर बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल, ये जो है कितनी भी स्कीमें हो आप गवर्नमेंट के, वो सभी जो स्कीम है इस एक पोर्टल पर आपको मिलने वाले हैं। और तो और, आप किस प्रकार के स्कीम के लिए एलिजिबल हो और उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और उसे अप्लाई कैसे करना है और उसके लिए कौन सा प्रोसेस है, सभी डिटेल्स आपको इस पोर्टल से जो है मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको इस वाले पोर्टल पर आने के लिए आपको myscheme.government.in ये जो है आपको ये टाइप करना है और यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे देखिए, गूगल पे आपको माई स्कीम ओनली टाइप करना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको इस वाले पोर्टल पे लेके आएगा। आपको यहाँ पर जो देखिए, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखिए फाइंड स्कीम फॉर यू, यहाँ से देखिए आप अगर एलिजिबल हो तो आप यहाँ से जो चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए 6 स्कीम जो है आपको एग्रीकल्चर, रूरल और इन्वायरमेंटल, इसके ऊपर आपको स्कीम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पे 31 जो स्कीम्स है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 15 स्कीम्स जो है बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे सभी तरह के जो है इतने स्कीम्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए, आपको सभी स्कीम्स जो है आपको इस एक पोर्टल पर यानी माई स्कीम के पोर्टल पर आपको देखने के मिलेंगे। आप अगर किसी स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अगर किसी स्कीम के बारे में डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एग्रीकल्चर ले लेते हैं। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर, जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कितने भी है, यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, यहाँ से आप जा सकते हैं डायरेक्ट। और यहाँ से आप दीनदयाल यहाँ पर, और यहाँ पर PM स्वयं निधि, और यहाँ पर एग्री, और यहाँ पर सभी तरह के जो है आपको यहाँ पर पोर्टल मिलने वाले हैं। तो आपको जो है आपके अगर यहाँ पे देखिए बैंकिंग के लिए स्कीम्स अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप सभी डिटेल्स जो है यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मुद्रा योजना के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बताया गया है, यहाँ पर सुरक्षा बीमा, और यहाँ पर अटल पेंशन, और लोन के सभी यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है यहाँ पर आपको सभी जो है दिखाई देने वाले हैं। तो हम यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे स्कीम देखना चाहते हो तो यहाँ पे जो है आप इसके रिलेटेड जो है आप स्कीम्स जो है देख सकते हो और डायरेक्ट उसे अप्लाई भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे हमारे लिए कौन सा बेस्ट स्कीम जो है हम एलिजिबल है, इसके लिए हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको कौन से स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो उसके चेक करने के लिए आप फाइंड स्कीम फॉर यू इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो जेंडर है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर आपका एज जितना भी है आपको इतना सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है स्टेट आपका जो भी है वो सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ से रूरल है या फिर अर्बन में रहते हो, शहरी विभाग में रहते हो या ग्रामीण, ये सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी, यहाँ पर आपकी कास्ट कौन सी है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम कास्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे, और उसके बाद आप अगर आप विकलांग है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे माइनॉरिटी है तो आप यस करेंगे या फिर आप नो करेंगे, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद आप अगर एक स्टूडेंट हो तो आप यस करेंगे या फिर आप नो करेंगे। अगर आप नो करेंगे तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड या फिर सेल्फ या एंटरप्रेन्योर इसके ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप करेंगे आपको यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी आप कौन सा काम करते हो, यहाँ पे आप उनको बताना है। यहाँ से यहाँ पर हम फार्मर हैं, यहाँ पर फार्मर सेलेक्ट करेंगे। अब आप अगर BPL कैटेगरी में हो तो आप यस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे BPL, यहाँ पे BPL है तो आप यस करेंगे या फिर नो करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे आर यू एनी फॉलोइंग कंडीशन, यहाँ पे अगर आप पेंशन लेते हो या फिर नहीं, इसके रिगार्डिंग आपको दे देना है, और यहाँ पे यस या फिर नो कर सकते हो और नेक्स्ट कर देना है।
जैसे आप कर देंगे यहाँ पे देखिए आप कौन से स्कीम के लिए एलिजिबल हो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सोशल वेलफेयर के और बैंकिंग फाइनेंशियल में 11 स्कीम जो है हमारे लिए अवेलेबल है, और यहाँ पे हेल्थ के लिए, और यहाँ पे स्कीम एंटरप्रेन्योरशिप, ये बिजनेस स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पे जो है इतने सारे स्कीम्स जो है हमको यहाँ पे अवेलेबल है, यानी हम इसे अप्लाई भी कर सकेंगे। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर हमारे स्कीम को, हमको जो है स्कीम के बारे में पता ही नहीं होता, और किन किन के लिए हम एलिजिबल है वो पता ही नहीं होता। आप जो है इस पोर्टल से आप किस स्कीम के लिए एलिजिबल हो आप इजीली पता कर सकते हो, और यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। यहाँ पे देखिए आप कौन सा भी ये एक अगर सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देते हो यहाँ पे देखिए आप इतने जो है 11 स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो, और आप यहाँ से जो है अप्लाई कर सकें। यहाँ पे देखिए मुद्रा लोन, या फिर यहाँ पे जीवन ज्योति बीमा योजना, यहाँ पे आपको अगर दूसरा कुछ सेलेक्ट करना है तो आप उससे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप जो है यहाँ से आप किस स्कीम के लिए एलिजिबल हो ये इजीली आप चेक कर सकते हो, और इसे यहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही इजी यहाँ पे पोर्टल जो है गवर्नमेंट की तरफ से बना हुआ है, इसका हर कोई यहाँ पे लाभ उठा सकता है, जो कि अलग अलग से स्कीम्स के रिलेटेड अलग अलग वेबसाइट जो है आपको अलग अलग पोर्टल पे जो है आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है एक ही पोर्टल पर आपको सभी तरीके की जो स्कीम्स है आपको यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकेंगे। आने वाले समय में हम अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे, और आपको अप्लाई करने के लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है ये भी हम देखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है और उसके बारे में डिटेल्स, यहाँ पे देखिए हम एक ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको डिटेल्स दिखाई देंगे, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं और कैटेगरीज, और यहाँ पे जो देखिए आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है अगर अप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट और प्रोसेस जो है कौन सा फॉलो करना है ये तक आपको यहाँ पे बता दिया है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड है यहाँ पे आप सभी जो है आप देख सकते हो, इजीली अप्लाई कर सकते हो, और इजीली आप जो है कौन सा भी प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे देखिए फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे सभी जो स्कीम्स है उसके बारे में बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे आसान तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। तरीके से दोस्तों आप जो है किसी भी स्कीम के बारे में जान सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, और आप जो है इजीली समझ सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत ही खास अपडेट है आने वाले समय के लिए, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।